हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। ये देखिए, आज मैं न्यू डिज़ाइन का एक और डोरमेट लाई हूँ जो बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से बन जाता है। ये देखिए कितना सुंदर डोरमेट लग रहा है। ये केवल मैंने 20 फंदों से बनाया है। आप इसको बड़ा बनाना चाहें तो ज़्यादा फंदों से भी, 2 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे ले लें और इसको बना सकती हैं। चलिए इसको बनाना सिखाती हूँ। देखिए, इसमें मैंने 20 फंदे स्टार्टिंग से, यहाँ पर 20 फंदे लिए हैं, यहाँ पे भी 20 फंदे लिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें तो आपको नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहेगी। रोज़ मैं एक वीडियो डालती हूँ। देखिए, ये फर्स्ट सिलाई है। जैसे हम फंदे डाल लेते हैं उसके बाद हम पहली सिलाई उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह उल्टा उल्टा बुनेंगे। मैं इसको वूलन से बना रही हूँ फ्रेंड्स। आप इसको फटे पुराने कपड़ों से भी बना सकती हैं। पुरानी चुन्नी पड़ी हो, पुराने साड़ी वगैरह पड़ी हो, उससे भी ये डोरमेट बना सकती हैं। और बहुत बड़े आकार का डोरमेट, बहुत ही सुंदर डोरमेट बनकर तैयार होगा ये। देखिए, फर्स्ट सिलाई हमने इस तरह उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट की है। अब देखिए, उल्टी साइड में हम आ गए हैं। अब यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से हम सिलाई में लपेटते हुए एक फंदा बढ़ाया हमने और ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे, इसको बनाएंगे उल्टा उल्टा। लास्ट में हम दो फंदे छोड़ देंगे यहाँ पर। ये देखो, दो फंदे हमने छोड़ दिए हैं। अब यहीं से पलट जाएंगे इस तरह से। सीधी साइड में इसी तरह हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। लास्ट का फंदा भी जो बढ़ाया था उसको भी बना लिया। अब देखिए, यहाँ पर फिर से हम अब यहाँ पर कलर चेंज करेंगे। देखिए, मैं वाइट कलर लगा रही हूँ। वाइट कलर लगाने के बाद यहाँ पर इस तरह से एक फंदा बढ़ा लूँगी और इस तरह से बनाऊँगी। दो दो सिलाइयाँ, जैसे दो, ये दो रो हो जाती हैं यहाँ पर, एक दो, दो दो रो हम अलग अलग कलर से बनाएंगे। दो रो हमने ग्रीन से बना लिए, अब दो रो हम वाइट से बनाएंगे। और ये दो फंदे हमने यहाँ फिर छोड़ दिए। अब यहाँ से हम पलट जाएंगे।
इस तरह से। फिर से हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे वाइट कलर से ही। हाँ देखिए, इस तरह से एक फंदा बढ़ाएंगे और इस तरह हम एक एक करके यहाँ पर आठ फंदे बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। देखो दो फंदे हमने यहाँ पर छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे सीधी साइड में, इसी तरह निकालेंगे सिलाई। अब देखिए फ्रेंड्स, ये दो सिलाइयाँ, दो रो हमारी वाइट कलर से हो गई हैं। अब यहाँ पर हम फिर से ग्रीन कलर लगाएंगे और इस तरह एक फंदा बढ़ाते हुए यहाँ पर बनाएंगे ऐसे। ये तीसरा फंदा हमने बढ़ाया है, अब ये दो फंदे हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं, ये दो दो करके यहाँ पर हमने छोड़ दिए हैं। और यहाँ पर देखो आठ फंदे मैं यहाँ बढ़ा लेती हूँ और ये आठ बार यहाँ पर छोड़ लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, ये दो दो करके मैंने आठ बार छोड़ दिए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ बार छूट गए हैं और ये आठवां फंदा ही यहाँ पर मैं बढ़ा रही हूँ इस तरह से। और देखिए ये सिलाई को मैं इसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी, ये यहाँ पर दो नहीं छोड़ेंगे हम, पूरा इसी तरह हम बना लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी हमारी पत्ती बन के आ रही है इस तरह से, जैसे ये वाली मैंने बनाई हुई है आपको दिखाने के लिए, इसी तरह ये पत्ती बन जाएगी और चारों तरफ हमारी एक एक पत्ती बनेगी डोरमेट में, बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार होगा। ये देखिए यहाँ पर अब हम बढ़ाएंगे नहीं, अब हम घटाएंगे, एक एक करके फंदा घटाएंगे, ये दो का एक कर देंगे यहाँ पर। और ये मैंने दूसरा कलर लगा लिया है, देखिए ये वाले फंदे दो हैं, इनको भी हम बना लेंगे इसके साथ। यहाँ गैप ज़्यादा दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो हम ऐसा करेंगे यहाँ से एक फंदा उठाएंगे इस तरह से, हम एक फंदा उठाएंगे और इसके साथ ऐसे बना लेंगे, जैसे कि हमारा गैप ख़त्म हो जाएगा। दो फंदे बना लिए हमने, अब इसमें हम साथ साथ दो दो फंदे जैसे हमने छोड़े थे उसी तरह दो दो फंदे बनाते हुए चलेंगे। ये ऐसे
अब यहाँ पर भी एक फंदा कम करेंगे। अब एक कम पहले कर दिया था, अब दूसरा फंदा कम करेंगे। इस तरह हमको बार बार एक फंदा कम करना है और दो फंदे नीचे से ऐड करने हैं। अब ये देखो यहाँ गैप दिखाई दे रहा है, फिर से हमें यहाँ से फंदा उठा के इस तरह बना लेंगे तो ये गैप खत्म हो जाएगा। ये देखो तो ये दो दो फंदे करके हम इसमें ऐड करेंगे और एक एक फंदा ऊपर से कम करेंगे। तो ये कर लेती हूँ नीचे तक, फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए पूरी पत्ती बन गई है। लास्ट का फंदा हमारा रह गया है घटाने को, ये लास्ट का फंदा हम घटाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक फंदा हमने घटा दिया है। अब ये हमारे 20 के 20 फंदे रह जाएंगे इसमें। लास्ट में भी अभी हमारे दो फंदे बचे हुए हैं, उनको भी हम बना लेंगे इसी में। ये दो फंदे हैं, यहाँ गैप है ज़्यादा सा, इसको गैप भरने के लिए हम यहाँ से फंदा उठा रहे हैं और फंदा उठा के और इस तरह से ये गैप भर देंगे, ऐसे बना लेंगे। और यहाँ पर ये लास्ट की सिलाई है, इसको हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी पत्ती बिल्कुल अच्छी सी बन के आएगी। अब देखिए पूरे फंदे ये हमारे 20 के फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे 20 फंदे बन गए हैं। अब ये देखिए ये इस तरह से हमारी ये पत्ती बनकर आई है। अब देखिए इसको बनाने के लिए हम ग्रीन कलर लगाएंगे। ऊपर की साइड मैंने ग्रीन कलर लगाया है, आप अपने पसंद से कोई सा भी कलर लगा सकती हैं जो आपको पसंद हो। इस तरह से दस फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फंदे मैंने ग्रीन कलर से बना लिए हैं। अब देखिए अब मैं येलो कलर लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स 10 फंदे मैंने ग्रीन कलर से बना लिए हैं, अब 10 फंदे हम येलो कलर से बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरह 10 फंदे हमने इसे बनाए। अब उल्टी साइड में राइट साइड में जो जिस कलर का है उस कलर से बुनकर कंप्लीट करेंगे पूरी सिलाई को। अब देखिए बैक साइड में हम आ गए हैं। इस तरह से ग्रीन कलर के जो 10 फंदे हैं वो 10 बनाने हैं।
हमको इस तरह से बनाने हैं उल्टा उल्टा बुनते हुए। और ये धागा को देखो इस तरह से क्रॉस कराएंगे जिससे कि यहाँ पर गैप ना बने। और नीचे हम दो फंदे छोड़ देंगे, दो फंदे हमने ये छोड़े। अब यहीं से हम पलट जाएंगे इस तरह से, दो फंदे छोड़ दिए। अभी क्रॉस कराते हुए ये इस तरह से लाएंगे दुल्हन को। ग्रीन येलो बन गए, अब ग्रीन के फंदे बनाएंगे। लास्ट का फंदा हम सीधा बुनेंगे। सीधा बुनने के बाद फिर बैक साइड में आए तो फ्रेंड्स ये इस तरह से हम दो दो फंदे छोड़ते हुए ये सिलाइयाँ बनाएंगे। और ग्रीन के फंदे उतने ही ग्रीन वाले, 10 फंदे हम ग्रीन से ही बनाएंगे। और यहाँ पे येलो वाले दो दो फंदे छोड़ेंगे। तो मैं यहाँ तक छोड़ लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड्स ये मैंने दो दो फंदे छोड़ते हुए इतना बना लिया है। ये देखो यहाँ पर 5 तो मैंने येलो से छोड़ लिए, अब 3 मैंने ग्रीन से छोड़ लिए। अब देखो यहाँ पर लास्ट में चौथी बार भी छोड़ लेते हैं इस तरह से। ये दो छोड़ दिए, अब यहीं से पलट जाएंगे। यहाँ से पलट गए, अब ये दो फंदे के लिए रह गए हैं यहाँ पर इस तरह। लास्ट का फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब ये देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, अब ये दो फंदे इसमें ऐड कर लेंगे। अब हमको इसमें ऐड करते हुए जाना है। इसमें दो दो फंदे हम जैसे छोड़े थे वैसे ही इसमें शामिल करते हुए इस कली को कंप्लीट करना है। ये ग्रीन कलर के फंदे ग्रीन से बनाने हैं और येलो कलर के येलो से बनाने हैं। इस तरह से पूरा कली इसी तरह बनाएंगे हम। ये देखिए ये 4 फंदे, अब ये वाले 2 फंदे हैं इनको भी हम बनाएंगे। तो यहाँ गैप है थोड़ा सा, इनको भर लेंगे ऐसे। इसको भर लिया, यहीं से पलट के फंदे बना लिए। देखो फिर से बनाएंगे ये फंदे। देखिए ये हमने 2 फंदे ये फिर से हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये यहाँ पर गैप ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर ये उठाया हमने और ये इस तरह बना दिया। धीरे धीरे करके पूरा नीचे तक ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स नीचे तक मैं इसी तरह दो दो ऐड करते हुए बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये दो दो फंदे ऐड करते हुए बना लिया है। ये देखिए पूरी कली इस तरह बन के आ गई है। ये लास्ट के फंदे रह गए 2, इसको भी हम इसी तरह बना लेंगे। इस तरह बनाने के बाद ये सिलाई भी हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। जो जिस कलर का है उस कलर से बना लेंगे।
अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये कली बन गई है। अब उसके बाद हमको ये ग्रीन कलर लगाना है यहाँ पर। अब ग्रीन कलर लगा के इसी तरह ये बनाएंगे, बार बार रिपीट करेंगे। तो ये देखो आधा हमारा डोरमेट बन के तैयार हो गया है और आधा भी इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा डोरमेट अच्छा लगा हो तो मेरी डोरमेट पर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय।